ખમણના ખારિયાવાડ વિસ્તારમાં આગની ઘટના બની છે. ખારિયાવાડ વિસ્તારમાં સ્થિત દારૂશ સલામ બિલ્ડિંગમાં આગ લાગી હતી, જેનું મુખ્ય કારણ બિલ્ડિંગના પાર્કિંગમાં શોર્ટ સર્કિટ છે. સમગ્ર બિલ્ડિંગમાં આગના કારણે ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. પાર્કિંગ વિસ્તારમાં 20-25 બાઇકો પાર્ક કરેલી હતી, જે બધી જ આગની ચપેટમાં આવી અને બળીને ખાક થઈ છે. આ બાદ દારૂશ સલામ બિલ્ડિંગના એક ફ્લેટમાં પણ આગ લાગી, જેથી ઘણું નુકસાન થવા પામ્યું છે, પરંતુ ખબર અનુસાર કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. આવતી છે પાર્ટી ફાઈટી. આ પેટ્રોલ આ સ્કૂટ આવી ગયું છે. આ લાઈટ ચાલુ કરી કરવા દે, કરવા દે. પાણી લાવે ને પાણી. હવે આવી જો ને બાઈક પર આવી. આ બાઈક પર આવી. બધાને ઉપર તો લઈ લીધા ને. આવ્યો
सर कल रात को जो आग लगी थी उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। आज सुबह करीबन 4:06 पर हमारे कंट्रोल रूम में कॉल आई थी कि यहाँ खरीवाड़ के दारूफ्लाम जो अपार्टमेंट है उसमें कुछ फायर हुआ है। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमारे ड्यूटी पर तैनात कर्मी दल है वो गाड़ी लेकर तुरंत निकल गया और करीबन 5 से 7 मिनट में जब हम पहुँचने के बाद जब देखा तो जो दारूफ्लाम अपार्टमेंट था उसके स्टील फ्लोर में ग्राउंड जो पार्किंग फ्लोर था उसमें कुछ फायर लगा हुआ था और फायर में जो बाइक थी वो इन्वॉल्व थी। बाइक के बगल में एक दो फोर व्हील गाड़ी भी थी, वो जो गाड़ी थी वो बच गई थी। बाकी इस फायर में करीबन 17 से 18 जो बाइक थी वो जल गई। सबसे पहले हमने इंश्योर किया था आने के बाद फायर फाइटिंग के साथ साथ अपार्टमेंट में जो रहने वाले लोग थे वो शुरुआत से ही घबरा के, मतलब में काफ़ी स्मोक लॉगिंग हुआ था उनकी वजह से, स्टेयरकेस में स्मोक लॉगिंग हो गया था और जो फर्स्ट फ्लोर पे जो बेड थे उसमें कुछ हीटिंग की वजह से स्मोक और कुछ नुकसान हुआ था। लेकिन जो सारे के सारे जो ऑक्यूपेंट था वो घबरा कर टेरेस के ऊपर चले गए थे। तो पहले तो हमने फायर को मतलब बुझाने का प्रयास किया। बुझाने के बाद जितने भी जो लोग ऊपर थे, टेरेस के ऊपर था, उनको करीबन 35 से 40 लोग थे बच्चों और मिला के, तो उन लोगों को स्टेयरकेस के माध्यम से, जब स्मोक लॉगिंग कम हुआ उसके माध्यम से, मतलब स्टेयरकेस के माध्यम से हमने नीचे रेस्क्यू किया और उसमें से एक या दो ऐसे एजर्ड पीपल लोग थे कि उनको स्टेचर लेके मतलब टेरेस के ऊपर से रेस्क्यू किया और उसमें से और भी एक कुछ पैरालिसिस पेशेंट था तो उनको मरवाड़ हॉस्पिटल में भेजकर कुछ ट्रीटमेंट कर, क्योंकि घबरा गए थे इसीलिए उनको ट्रीटमेंट करवा के वापस लेके आए। तो इस प्रकार फायर का हादसा हो गया था दारूफ्लाम अपार्टमेंट में। लेकिन इस हादसे में किसी को कोई इंजरी या कोई ताहत कैजुअलिटी वगैरह कुछ नहीं है। इसका जो रीज़न है, जो हमें भी पॉसिबिलिटी यहाँ सामने दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल पैनल है उसमें से कुछ शक्ति की वजह से कुछ मतलब फायर शुरुआत हो गई। सर आग को काबू में लेने के लिए कितना घंटा लगा और कितनी दमकल की गाड़ी आई थी? आप हमारी गाड़ी 3 आई थी, मतलब दो छोटी दमन से आई थी और एक नानी दमन से आई थी। हमारी गाड़ी आने के बाद तुरंत ही विदिन 10 या 15 मिनट में जो आग थी उसको कंट्रोल तो कर लिया था। उसके बाद जो स्मोक लॉगिंग था तो धीरे धीरे स्मोक लॉगिंग कम हो गया। उसके बाद हमने जो लोग ऊपर जो पैनिक थे उनको धीरे धीरे मतलब में स्टेट के माध्यम से नीचे लाए।